ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जो हम लोगों ने स्टार्ट करना है, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। नाइन्थ चैप्टर है आपकी बुक में। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आर दोज विच इन्वॉल्व अननोन फंक्शंस एंड देयर डेरिवेटिव्स। अननोन फंक्शन होते हैं जैसे वाई की फॉर्म में होते हैं और उनके डेरिवेटिव्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंगली हम लोगों को डेरिवेटिव दिया हुआ होता है इक्वेशन में, देन दैट इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। बट दोज डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे हम लोग वाई का डेरिवेटिव निकालते हैं, अभी तक हम लोग डेरिवेटिव निकालते आए हैं वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी निकालते आए हैं, या डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड निकालते आए हैं, इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इनमें हमारे पास सिर्फ अलग अलग वेरिएबल है। लेट अस सपोज मेरे पास इस तरह से आ जाता है 2x into d square y by dx square plus 3y dy by dx plus y is equals to 0। लेट अस सपोज ये हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पे चेक करो मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही है x, तो दोज डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल is called ordinary differential equation। और अभी के यूनिट में जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, वो हम लोग सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ही बात करेंगे। अदरवाइज डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास मोर देन वन वेरिएबल भी होता है, बट दैट इज फॉर द हायर स्टडीज। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे जिसमें हमारे पास सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो वट वी नीड टू डू इन दिस चैप्टर, ये चैप्टर बेसिकली हमारे पास तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट पार्ट तो ये हो जाता है हमारे पास। सेकंड पार्ट इस चैप्टर का है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और थर्ड पार्ट इस चैप्टर का इन्वॉल्व करता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड फर्दर दिस सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट होता है डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल separable form, and second part होता है जिसमें variables cannot be separated, variables can't be separated, ठीक है। अब जो variables can't be separated है, further it is divided into two part। first one is homogeneous differential equation and second one is linear differential equation, homogeneous differential equation and second one is linear differential equation। अब ये इस तरह से ये चैप्टर हमारा डिवाइडेड होता है डिफरेंट पार्ट्स में। सबसे जो पहला पार्ट है उसमें हमारे पास है कि ऑर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने डिफाइन करना है। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी सीखनी है कि किस तरह से बनाई जाती है। और थर्ड पार्ट इस चैप्टर में हम लोगों को कहा होता है कि सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। और सॉल्व करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमारे पास दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। फर्स्ट वन इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल मतलब क्या है कि वाई वाली टर्म्स हम लोग सेपरेट कर सकते हैं और एक्स वाली टर्म्स सेपरेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज वेरिएबल कांट बी सेपरेटेड। कुछ इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन आती हैं जिसमें हम लोग वेरिएबल एक्स और वाई वाली टर्म में सेपरेट नहीं कर सकते। और उनमें भी हमारे पास फर्क दो तरह की होती है, एक होती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड वन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखिए द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज the order of differential equation is the order of highest derivative
हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले तो बात करते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल यहां पे बात करते हैं, मेरे पास है d स्क्वायर y / dx स्क्वायर प्लस 3x dy / dx प्लस y इज इक्वल टू 0 या d क्यूब y / dx क्यूब प्लस 2y d स्क्वायर y / dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0 या हम लोग कह सकते हैं y डबल डैश प्लस xy डैश इज इक्वल टू 0 या y3 प्लस 2y1 इज इक्वल टू 0। यहां पे बेटा दिस इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, और जो ये y डबल डैश है ये भी हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। y डैश ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। देन अगर y3 लिखता हूं, y3 का मतलब होता है हमारे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव और y1 का मतलब होता है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब एक बार याद रखिएगा कि जो dy / dx है इसको हम लोग y डैश भी लिख सकते हैं, इसको y1 भी लिख सकते हैं, इसको f डैश x भी लिख सकते हैं। सिमिलरली d स्क्वायर y / dx स्क्वायर जो हमारे पास आ जाता है इसको हम लोग y डबल डैश या y2 या f डबल डैश x लिख सकते हैं। सिमिलरली d क्यूब y / dx क्यूब जो थर्ड डेरिवेटिव होता है दैट इज y ट्रिपल डैश या y3 या f ट्रिपल डैश x के तौर पे भी लिखा जा सकता है। दीज आर जस्ट द एब्रीविएशन नाउ वी आर गोइंग टू यूज इन दिस चैप्टर ओनली। अब बात करते हैं जो ये पहली एग्जांपल है, जो ये एग्जांपल है इसमें हमारे पास ऑर्डर कितना हो जाएगा, चेक कीजिए। हाईएस्ट ऑर्डर मेरे पास ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसका ऑर्डर मेरे पास हो जाएगा 2। इन दिस इक्वेशन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ये वाला है सो इट्स ऑर्डर विल बी इक्वल्स टू 3। अगर ये इक्वेशन की बात करें, देखिए यहां पे डबल डैश है यानी कि दो बार डैश का साइन है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे ऑर्डर हमारे पास 2 हो जाता है। एंड हियर इन दिस इक्वेशन y3 वाज गिवन सो ऑर्डर इज 3। तो इसका मतलब अगर बात की जाए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्वड इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके बाद हम लोग अगर बात करें डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, तो अब यहां पे बेटा देखिए कि किस तरह से हम लोग लिखेंगे। सेकंड पार्ट में लिखने जा रहा हूं डिग्री, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय द इंडेक्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर derivative, highest order derivative involved in differential equation, तो इसका मतलब अगर डिग्री हम लोगों ने बतानी है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, तो डिग्री हम लोग ये कह देते हैं कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी जितनी पावर होती है उसको हम लोग बोल देते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल d square y by dx square plus 3 dy by dx whole raised power 3 is equals to 0 या d square y by dx square whole power 2 plus 3 into d cube y by dx cube is equals to 0। अब यहां पे देखिए अगर हम लोगों ने यहां पे डिग्री बतानी है तो इसमें ये देखिए कि हाईएस्ट ऑर्डर मेरे पास है 2। इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर मेरे पास 2 है तो इस डेरिवेटिव की डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी मेरे पास 1, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। चेक कीजिए ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, अगर इसकी पावर की फॉर्म में इसको लिखना चाहेंगे तो यहां पे 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर लेट अस सपोज यहां पे मैं 4 लिख लेता हूं, अब यहां पे देखिए हाईएस्ट ऑर्डर मेरे पास है d क्यूब y / dx क्यूब यानी कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट है। अब यहां पे इसकी डिग्री अगर 4 है तो आई कैन से दैट द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू 4। तो इट मींस इफ वी वांट टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हम लोगों ने ये चेक करना है कि डेरिवेटिव का जो डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर कितनी है,
दोबारा बता रहा हूं, इफ वी वांट टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम लोगों ने बताना है कि हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, और अगर डिग्री बतानी है तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है, दैट विल बी द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर बात करें यहाँ पे इसी फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो इसकी डिग्री मेरे पास 1 आ रही है, लेकिन अगर ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर मेरे पास 2 आ रहा है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर मेरे पास 2 है। सिमिलरली फॉर दिस इक्वेशन, अब यहाँ पे डिग्री मेरे पास 4 आ रही है, तो अगर ऑर्डर की बात करें देन ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी इक्वल्स टू 3। तो इट मीन्स हाईएस्ट ऑर्डर विल बी द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, दैट विल बी द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स द टर्म्स इन्वॉल्विंग, टर्म्स involving logarithmic function, comma exponential function and trigonometric function of derivatives, trigonometric functions of derivatives, then degree of differential equation is not defined, degree of differential equation is not defined। मतलब जैसे example देखता हूँ, यहाँ पे example देखिए, d square y by dx square plus log of dy by dx is equals to 0, या डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस साइन ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पे देखिए ऑर्डर तो मेरे पास हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, ये देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हमारे पास 2 हो जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए कि डिग्री क्या होगी इसकी ऑर्डर की, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो हम लोग यहां कहेंगे कि डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहां पे dy by dx एक log की फॉर्म में आ गया है, log of dy by dx आ गया है। और अगर इस तरह से हमारे पास हो जाए, या सिमिलरली यहां देखिए sin of d square y by dx square आ गया है, इन दैट केस वी विल से दैट द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। इसी तरह से अगर एक्सपोनेंशियल e की पावर dy by dx की फॉर्म में आ जाए, तो भी हम लोग कह सकते हैं कि द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। ऑर्डर जरूर हम लोग बता सकते हैं, और ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर हमारे पास होता है तो हम लोग बता देते हैं कि ये दिस इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, बट फॉर डिग्री हमारे पास क्या होती है कि हाईएस्ट ऑर्डर की जितनी डिग्री होती है वो होती है, बट अगर हाईएस्ट ऑर्डर के अलावा अगर कोई ऑर्डर जो है लॉग के साथ या साइन के साथ लगा हुआ है तो हम लोग कहेंगे कि उसकी डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अंडरस्टैंड? So 9.1 first question, यहाँ पे हम लोगों ने डिग्री और डिफरेंशियल ऑर्डर बताना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्वेश्चन में देखिए ध्यान से लिखा हुआ है, डिटरमिन डिग्री ऑर्डर एंड डिग्री व्हेन डिफाइंड, ऑर्डर एंड डिग्री व्हेन डिफाइंड और डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज डी रेज पावर 4 वाई ओवर डी एक्स रेज पावर 4 प्लस साइन ऑफ वाई ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। Then second one is y dash plus 5y is equals to 0. Third one ds by dt whole raised power 4 plus 3s d square s by dt square is equals to 0. Then fourth one d square y by dx square whole square plus cos of dy by dx is equals to 0। पहले ये चार क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
इसका ऑर्डर हम लोगों ने बताना है, ऑर्डर सी हियर, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर मेरे पास कितना है, चार है, क्योंकि ये जो तीन डैश है इसका मतलब है कि ऑर्डर थ्री है, तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरे पास, चार। और अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री के केस में हम लोग सिंपली लिखेंगे डिग्री नॉट डिफाइंड। अब ये नॉट डिफाइंड क्यों लिखेंगे बेटा जी हम लोग, वो इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो 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 ये साइन की फॉर्म में एक डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आया है साइन ऑफ डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, तो इन दैट केस हम लोग लिखेंगे कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अब इस इक्वेशन की बात करते हैं, ऑर्डर विल बी इक्वल्स टू वन, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, और डिग्री इसकी क्या हो जाएगी, चेक कीजिए डी वाई बाई डी एक्स की पावर भी हमारे पास वन है, तो डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी इक्वल्स टू वन। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं वाई डैश की पावर वन। इसकी बात करें ऑर्डर, बेटा जी ऑर्डर देखिए, ये डी एस बाई डी टी है और ये डी स्क्वायर एस बाई डी टी है, तो ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, टू। और अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री बेटा जी मैंने बोला है हमारे पास डिग्री होती है जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी कितनी पावर है। अब यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर था सेकंड डेरिवेटिव, लेकिन इसकी पावर वन है, तो आई विल से दैट डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू वन। इसकी बात करें ऑर्डर इज इक्वल टू टू, यहाँ पे ऑर्डर इसका टू है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, चेक कीजिए। और अगर डिग्री की बात करें तो बेटा ये मत सोचिएगा कि इसकी पावर टू है तो डिग्री टू हो जाएगी, यहाँ कॉस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स भी आ गया, तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री इज नॉट डिफाइंड, अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थ्री एक्स प्लस साइन थ्री एक्स। देन सिक्स्थ क्वेश्चन, वाई ट्रिपल डैश होल स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश होल क्यूब प्लस वाई डैश की पावर फोर प्लस वाई रेज पावर फाइव इज इक्वल टू जीरो। देन सेवन्थ क्वेश्चन हमारे पास है वाई ट्रिपल डैश प्लस टू वाई डबल डैश प्लस y dash is equals to 0, and then 8th question y dash plus y is equals to e raised power x. 9th question directly मैं सारे question इकट्ठे लिख रहा हूँ, y double dash plus y dash का whole square plus 2y is equals to 0. Now we'll consider the degree and order of the differential equation. First one, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर कितना आ जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास टू, क्योंकि ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, और अगर इसकी पावर की बात करें तो इसकी पावर हमारे पास वन है, सो डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी इक्वल्स टू वन। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, हाईएस्ट ऑर्डर देखिए तीन है, यहाँ दो है, यहाँ वन है, तो ऑर्डर विल बी इक्वल्स टू थ्री। और अगर बात करें डिग्री की, तो मैंने आपको बोला है कि डिग्री इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाज 3, इसकी पावर 2 गिवन है, सो द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट अगला है ऑर्डर ट्रिपल डैश डबल डैश सिंगल डैश, तो इसका मतलब ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारे पास 3। और पावर, अगर पावर की बात करें या डिग्री की बात करें, तो इसकी पावर मेरे पास 1 है, सो आई विल से दैट द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू 1। आफ्टर दैट नाउ दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें मेरे पास सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1, और इसकी पावर मेरे पास यहां पे चेक कीजिए 1 है, सो डिग्री विल बी इक्वल टू 1। देन दिस वन 9th में हमारे पास हो जाएगा ऑर्डर 2 एंड डिग्री विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि जो ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर मेरे पास यहाँ पे 1 गिवन है, चेक कीजिए, अगर कुछ पावर नहीं होती तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि दैट पावर इज 1, अंडरस्टैंड। सो दीज आर द क्वेश्चन, लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 9.2। फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज इक्वल टू ई रेज टू आर एक्स प्लस 1 and the differential equation is given to us is
y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें क्या करना है कि जो हम लोगों को y की वैल्यू गिवन है, हम लोगों ने इस डिफरेंशियल इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है। अगर वो वैल्यूज सेटिस्फाई करके हमारा आंसर जीरो आ रहा है, देन दिस वैल्यू ऑफ y इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके जी, अब यहां पे देखिए y डबल डैश और y डैश है। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले y डैश फाइंड आउट करता हूं। y डैश का मीनिंग होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के साथ विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है हम लोगों ने। अब यहां पे e रेस पर x का डेरिवेटिव e रेस पर x ही रह जाएगा। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। और याद कीजिए, जब इसी को दोबारा डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, इट विल बिकम y डबल डैश। अदरवाइज अगर dy / dx लिखा होता तो d2y / dx2 हम लोग कह देते। सो y डबल डैश x इज इक्वल्स टू e रेस पर x, इक्वेशन नंबर 2। अब जनरली अगर आप लोग इसको माइनस करके आंसर निकालना चाहते हैं तो इसको माइनस कर लीजिए, या पुट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 8। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन कैपिटल ए। चेक कीजिए, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है y डबल डैश माइनस y डैश, इसकी वैल्यू है e रेस पर x माइनस e रेस पर x, और आंसर मेरे पास कितना आ गया, 0, एंड दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गया है, सो वी कैन से दैट देयरफॉर गिवन वैल्यू ऑफ y, गिवन वैल्यू ऑफ y is the solution of given differential equation. Solution of given differential equation. ठीक है जी? अगर ये satisfy नहीं करती, then we'll say that this value of y is not the solution of the differential equation. लेकिन अगर ये satisfy कर देती है, then it is the solution of the given differential equation. Second question is y is equals to x square plus 2x plus c, and differential equation is y dash minus 2x minus 2 is equals to 0. और हम लोगों ने चेक करना है कि ये वैल्यू y की इस differential equation का solution है या नहीं है। Differentiate both sides with respect to x, और जब differentiate किया with respect to x, so it will be y dash is equals to 2x plus 2. अब यहां पे ये देखिए, दोनों टर्म्स को डायरेक्टली मैं इधर लेके चला जाता हूं, y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। चेक कर लीजिए, ये इसके साथ कोइंसाइड हो गया, तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं, हेंस गिवन वैल्यू ऑफ y, गिवन वैल्यू ऑफ y इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अंडरस्टैंड? इस सारी एक्सरसाइज में हम लोगों ने सिर्फ यही कुछ करी जाना है, जो वाई की वैल्यू गिवन है, हम लोगों ने उसका डेरिवेटिव, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, अगर सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन है एक बार डेरिवेटिव निकालना है, अगर ऑर्डर 2 है तो हम लोगों ने दो बार डेरिवेटिव निकालना है, और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देनी है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाता है, ओनली देन वी कैन से दैट द गिवन वैल्यू ऑफ y इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अंडरस्टैंड? Under root of 1 plus x square. Question number 4th, y is equals to under root of 1 plus x square. Or differential equation hai, y dash is equals to xy over under root of 1 plus x square. We need to check whether this value of y is the solution of the given differential equation. Isko aise kar lete hai, capital A likh lete hai. Now, differentiate with respect to x. इसको डिफरेंशिएट करते हैं रिस्पेक्ट टू x, चेक कीजिए dy/dx या सिंपली y डैश देख लेते हैं। अंडर रूट का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 2 अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, और उसके बाद चेन रूल से x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, y डैश इज इक्वल्स टू x ओवर अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। बेटा यहां सॉल्यूशन में अंडर रूट वाली टर्म नहीं है, करेक्शन कर लीजिएगा, y डैश इज इक्वल्स टू xy ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। Now, put the given values in the given differential equation, or we can say that put in equation capital A. Capital A हमारे पास थी
y dash is equals to x y over 1 plus x square. चेक कीजिए, y dash की वैल्यू मेरे पास आ रही है x over under root of 1 plus x square is equals to x over 1 plus x square. और बेटा यहाँ पे y की वैल्यू थी under root of 1 plus x square. चेक कीजिए, y की वैल्यू भी पुट की है और dy by dx की वैल्यू भी पुट की है. ये under root of 1 plus x square नीचे वाली टर्म के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. x over 1 plus x square under root is equals to x over under root of 1 plus x square. ठीक है जी. और इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास LHS is equals to RHS. Therefore, given value of y is solution of given differential equation. ठीक है जी. इस तरह से सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने शुरू कर देने. ओके जी, नोट कर लीजिए बेटा जी. विल मीट टुमारो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 9.2.